एक बहुत ही बड़ी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महामारी का इलाज ना होने के कारण उम्मीद वैक्सीन पर टिकी है। कौन सी वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, वैक्सीन मार्केट में कब आएगी, ये सारे सवाल लोगों के जहन में है। ऐसे में रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। स्पुतनिक 5 के एक डोज की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $10 से कम होगी। वही रूस के नागरिकों के लिए ये फ्री होगी। एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होगी। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी जनवरी 2021 में विदेशी निर्माताओं के साथ मौजूदा साझेदारी के आधार पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। उधर क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे अंतिम विश्लेषण के अनुसार पहली डोज देने के 28 दिन के बाद स्पुतनिक वी 91.4% प्रभावी रही। बता दें कि कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत बेहतर वैक्सीन पर जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। लेकिन वैक्सीन के साथ ही पीएम मोदी ने फिर याद दिलाया कि हर किसी को अभी भी सतर्कता बरतनी होगी। अपने संबोधन में पीएम ने चेताते हुए कहा, राज्यों को सतर्कता बरतनी होगी, वरना कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि कहना पड़े मेरी कश्ती डूबी भी वहाँ जहाँ पानी कम था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।